हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भारत की जनसंख्या के बारे में आपको बताया था। भारत की जनसंख्या बीए पार्ट थर्ड में भारत के भूगोल में और बीए पार्ट सेकंड के संसाधन भूगोल में दोनों क्लासों के छात्रों के लिए है। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्लास सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, वो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने जनसंख्या के बारे में सामान्य परिचय, भारत की जनसंख्या के बारे में और जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। जो कारकों के बारे में बताया था उसमें पहला कारक जो था वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज दूसरा कारक सामाजिक एवं आर्थिक कारक जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारक, इसमें आर्थिक कारक भौतिक कारकों के समान ही सामाजिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं, परंतु इन दोनों कारकों के सापेक्षिक महत्व के विषय में पूर्ण एकरूपता नहीं भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं तो कुछ जगहों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका ज़्यादा बड़ी होती है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों को जनसंख्या की बसावट में विभिन्नता लाते हैं, वो इस प्रकार है। सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। इसमें पहला है सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक। मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या और घनत्व की वृद्धि को तेज किया है। आज से 200 वर्षों से भी पहले पश्चिमी समुद्र तटीय ठाणे इलाके के सकरी खाड़ी में महत्वहीन छोटे छोटे बिखरे द्वीप समूह थे। पुर्तगाली नाविकों ने इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार कायम किया था। चूंकि अधिग्रहित द्वीपों का स्वामित्व उनके राजा के पास था, पुर्तगाल के राजा ने इसे इंग्लैंड के राजघराने को दहेज स्वरूप भेंट कर दिया था। इस द्वीप में निवास करने वाले मछुआरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उनकी यह बसावट एक विशाल जनसंख्या के समूह के रूप में
विकसित हो जाएगी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों पर एक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, जिसे बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राजधानी शहर में परिवर्तित कर दिया गया। उद्यमी व्यापार कुशल संप्रदायों ने, जिसमें फारसी, कच्छी, गुजराती लोग थे, यहाँ कपड़ा बनाने की मिलों को स्थापित किया और इनके लिए आवश्यक जल शक्ति का विकास किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के आर पार सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण किया। इससे पृष्ठ प्रदेश आवागमन के साधनों से संपन्न हो गया। आशा के विपरीत स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से मुंबई भारत का ऐसा बंदरगाह बन गया जो यूरोप का सबसे नज़दीक व्यापारिक केंद्र सिद्ध हुआ। मुंबई में युवकों की मौजूदगी तथा कोंकण के सस्ते, सशक्त एवं अनुशासित मजदूरों की आसान उपलब्धता ने यहाँ की क्षेत्रीय जनसंख्या को तेजी से पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ समय पश्चात मुंबई के नज़दीक अरब सागर के उथले क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं गैस भंडारों की खोज ने इस क्षेत्र में पेट्रो रसायन उद्योग को उभरने में बहुत बढ़ावा दिया। आज मुंबई भारत की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में स्थापित है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डे भी स्थापित हैं। मुंबई देश तथा विदेश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल मार्ग का अंतिम छोर मुंबई। लगभग ऐसी स्थिति औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत के अन्य प्रमुख महानगर कोलकाता तथा चेन्नई के साथ लागू होती है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ये एक दूसरा कारण है। छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय पथरीला एवं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों से आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहता आया है। यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, किंतु प्रचुर मात्रा में खनिज अयस्क जैसे लोहा, मैंगनीज, चूना पत्थर, कोयला आदि के उपलब्ध होने के कारण पिछली शताब्दी के दौरान अनेक औद्योगिक केंद्र तथा नगरों की यहाँ स्थापना हुई। लोहा अयस्क तथा कोयले की खदानें आसपास मिलने से बड़े औद्योगिक उपक्रमों एवं कारखानों के स्थापित होने का एक आकर्षण बना। इस कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, यातायात में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को बनाने वाले कारखाने यहाँ पर स्थापित हुए। इस क्षेत्र में उत्तम गुणों के कोयला उपलब्ध होने के कारण शक्तिशाली राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हुई। इन केंद्रों से विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण दूर दराज के क्षेत्रों को भी की जाने लगी। उदारीकरण के बाद से इस क्षेत्र में अनेकों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं भारतीय कंपनियां अपने अपने कारखानों एवं संयंत्रों को स्थापित करने में संलग्न हुई और ये क्षेत्र जो
विरल जनसंख्या का था, आज यहाँ पर सघन जनसंख्या का जमावड़ा हुआ है। यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध थे उनका दोहन करके इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। आज इतना ही, अगले वीडियो में जनसंख्या के बारे में एक वीडियो और डालूँगा, उसमें बताएँ।